क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वाड्रेटिक का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लो या टाइप 7 समझ लो, करेंगे कैसे, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया होगा आपके, फिर बोर्ड में, एनुअल में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में जरूर आया होगा। देखो करेंगे कैसे, हमें क्या किया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है ये, और उसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। हमें एक को अब दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी है इसी से, जिसको जीरोस क्या हो, 3α और 3β। तो क्या करेंगे, पहले पॉलीनोमियल लिख लेंगे और उसके जीरोस निकाल लेंगे। तो px इक्वल टू, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, या ये वाला करवा देता हूँ, वो वाला आसान है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस के साइन में आप गलती कर दो, ये वाला मैं करवा रहा हूँ। तो क्या लिखा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, 9 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 9 बन जा 9, तो 9 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, तो मुझे पता है क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3, और प्लस इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ गया, ध्यान से देखो, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3। ये समझ में आ गया, ये px से इक्वल है, क्या है ये मेरा px, और ये भी px, और ये भी px। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक बार इसको x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसका है और ये इसका है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब इसी को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने अल्फा बीटा। क्लियर है ध्यान से? अब ध्यान से समझो, अब हमें कौन सी इक्वेशन बनानी है जिसकी जीरोस क्या हो, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो हमें इक्वेशन पता है, ध्यान से देखो, हमें इक्वेशन पता है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू जीरो के, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, अब हम मुझे ये अल्फा और ये बीटा यूज करने हैं, और प्रोडक्ट में भी ये अल्फा और ये बीटा यूज करने हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाओ सम मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा, और यहां से कितना आ जाएगा, एक्स, और इधर से क्या आएगा, प्लस, ध्यान से ब्रैकेट में माइनस अल्फा और इधर से भी माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अब देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखना, माइनस कॉमन लिया मैंने, ध्यान से, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, तो ये कितना लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, अल्फा कितना है, प्लस का 3, और बीटा भी कितना है, वो माइनस का 3, और ये भी माइनस का 3, तो मतलब कितना आ जाएगा, ये अल्फा, अल्फा देखो माइनस 3, और बीटा भी माइनस 3 इंटू एक्स, प्लस अल्फा कितना है, माइनस 3, और बीटा कितना है, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो, तो माइनस 3 और माइनस 3, माइनस का 6 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या होंगे, ये वाले। आई बात समझ में, 3 3 9 9 होगा, यहाँ से 3 3 9 मल्टीप्लाई है, 3 3 9। तो देखो सेम वैसे ही इक्वेशन है, दोनों में किसका अंतर आया है, सिर्फ साइन का, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सेम वैसे ही इक्वेशन बनी ना, सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3α + 3β हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3α + 3β, तो 3 को कॉमन ले लोगे इस तरीके से, मतलब 3 कॉमन ले लोगे, और उधर से क्या आ जाएगा, 9α β, तो यहाँ पे 9α β आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू रख देना, सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से, बहुत स्लोली स्लोली मैंने ये करवाया, एक एक स्टेप समझाया है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अच्छे से नोट डाउन करना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच जाए जिससे मैथ में डर लग रहा है। देखो एक दूसरे की हेल्प करने से ही काम बनेगा, आप
सोच रहे हो कि सिर्फ मैं पढ़ के सीख लूँ तो अभी थोड़ी देर के लिए सीख जाओगे, कभी ना कभी तो उसको पता ही चलेगा ना, तो तब तक लेट हो चुका होगा। तो इसलिए आप सब एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। मतलब जिसको लग रहा हो कि उसको बोलो एक बार, रिकमेंड करो, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं 8 क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो इसको।